नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अब AIMIM पार्टी की भी एंट्री राजस्थान की राजनीति में हो चुकी है। जी हाँ, जिस तरह से AIMIM पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि राजस्थान में वो भी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इसके बाद कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अगर आप यहाँ राजस्थान की राजनीति को समझने की कोशिश करें तो अभी कांग्रेस की वहां सत्ता है, कांग्रेस चाह रही है कि दोबारा से ही उनकी सरकार बने, वहीं बीजेपी किसी भी तरह से कांग्रेस के हाथ से ये सत्ता छीनना चाहती है और इसलिए अब नरेंद्र मोदी खुद राजस्थान की मैदान में उतरने वाले हैं कांग्रेस को टक्कर देने के लिए। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी राजस्थान में कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के बाद गुजरात, हिमाचल प्रदेश जैसे जगहों पर जो है आम आदमी पार्टी अपना विस्तार करना चाहती है, तो राजस्थान पर भी कहीं ना कहीं केजरीवाल की नजर है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने भी अब एंट्री मार दी है राजस्थान में, और राजस्थान में ओवैसी के आने से आखिर नुकसान किसको होगा? देखिए, जिस तरह से ओवैसी की पार्टी है एक मुस्लिम पार्टी है, ओवैसी एक मुस्लिम नेता है, और राजस्थान में देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट लेती है। बीजेपी की अगर बात करें तो मुसलमानों का वोट पहले से ही बीजेपी को उतना नहीं मिलता है, और ऐसे में जिस तरह से ओवैसी की एंट्री हुई राजस्थान में, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के वोट कट सकते हैं। तो यहाँ पर मुश्किलें जो है ओवैसी के आने से कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। फिलहाल राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले जिस तरह से ओवैसी ने एंट्री मारी है उसके बाद काफी हलचल मचते हुए नजर आ रही है सियासी गलियारों में। लेकिन अब देखना यही होगा कि राजस्थान की राजनीति में ओवैसी की एंट्री से क्या बदलाव आने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।